किसान भाइयों, व्हाइट ग्रब जिसको हम सफेद लट या सफेद गेंडार के भी नाम से भी जानते हैं, ये हमारी फसलों की जड़ों को खाकर बुरी तरीके से प्रभावित करता है, जिससे जो हमारी फसलें हैं अचानक से हमें मुरझाई हुई दिखने लगेंगी या वो पेली पड़ने लग जाती हैं, उनकी जो ग्रोथ है एकदम से रुक जाती है और पौधा सूख कर मरने लगता है। तो ये होता है व्हाइट ग्रब के कारण, और इसको हमें पहचानना भी मुश्किल होता है क्योंकि ये जमीन के अंदर हमारी जो फसलों की जड़ें हैं उनको खाता है। तो हम अन्य कारण खोजते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का एक कारण हो सकता है व्हाइट ग्रब। तो देखिए, व्हाइट ग्रब के बारे में आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं कि देखिए इसका जैविक कंट्रोल क्या है, पहचान कैसे करें, और जो बेस्ट केमिकल है, रासायनिक खेती यदि आप करते हैं तो बेस्ट केमिकल क्या है, किन कारणों के कारण ये हमारे खेतों में इसकी समस्या बढ़ती है वो भी समझना जरूरी है, इसका लाइफ साइकिल क्या है वो भी समझना जरूरी है इसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आपके पास डिसलाइक का ऑप्शन अवेलेबल है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं व्हाइट ग्रब के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। देखिए, जो व्हाइट ग्रब, यदि हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले इसका एडल्ट होता है, एडल्ट को हम स्क्रैप बीटल कहते हैं, उसकी पिक्चर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो इसको हम स्क्रैप बीटल कहते हैं, और हम लोकल भाषा में यदि बात करूँ तो इसको हम गुब्रेला कहते हैं। गुब्रेला आपने अक्सर देखा होगा, जब हम गांव में कंडे पाते हैं तो कंडों के नीचे ही, उसमें कंडों के अंदर घुसा रहता है, क्योंकि इसको गोबर ज़्यादा पसंद रहता है, उसमें ये ज़्यादा उसको खाकर अपने को सर्वाइव करता है, यानी कि ये गोबर के अंदर ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको गुब्रेला कहते हैं। तो ये इसका एडल्ट होता है, और उसके बाद देखिए अंडे देता है, अंडों से क्या निकलता है, फिर लार्वा निकलता है, दूसरी एक स्टेज जो होगी इसके अंडे होगी, अंडे से जो लार्वा निकलता है उसको हम व्हाइट ग्रब कहते हैं। उसकी जो स्टेज है काफ़ी लंबी होती है, बहुत लंबे समय तक हमारे जो फसलें हैं उनकी जड़ों को खाकर अपने आप को सर्वाइव करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसका जो लाइफ साइकिल होता है लार्वा का यानी कि व्हाइट ग्रब का बहुत लंबा होता है। उसके बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट होता है, प्यूपा का लाइफ साइकिल थोड़ा शॉर्ट होता है, फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इस तरीके का इसका लाइफ साइकिल होता है। देखिए, इनमें से जो डायरेक्टली हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, एक तो जो इसका एडल्ट होता है जिसको हम गुब्रेला कहते हैं, वो हमारी जो फसलों की पत्तियां हैं उनको खाकर नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है इसका जो नुकसान पहुंचाता है हमारी फसलों को डायरेक्ट, वो है व्हाइट ग्रब, वो हमारी फसलों को डायरेक्टली खाकर नुकसान पहुंचाता है। हालांकि अंडे और जो प्यूपा है वो डायरेक्टली हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि अंडों से बाद में क्या निकलता है, व्हाइट ग्रब निकलता है, लार्वा निकलता है, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरीके से प्यूपा से क्या जो एडल्ट है वो कन्वर्ट होगा, जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। तो वो डायरेक्टली नुकसान नहीं पहुंचाते हैं जो प्यूपा होता है, अंडा होता है, लेकिन इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाते हैं। डायरेक्टली नुकसान पहुंचाने वाले में एक तो एडल्ट होता है इसका, जिसको हम गुब्रेला कहते हैं, और दूसरा होता है व्हाइट ग्रब। देखिए, ये जो कीट होता है ये ज़्यादातर नाइट के समय यानी कि रात में एक्टिव होता है, तो इसलिए हमें इसको देख पाना मुश्किल होता है। जो गुब्रेला होता है इसका एडल्ट होता है, नाइट में जैसे ही अंधेरा होगा तो अंधेरा होने के बाद हमारी जो पत्तियां होती हैं फसलों पर उनको खाना शुरू करता है, और जैसे ही दिन निकलता है यानी कि दिन के समय ये उजाला होने से पहले ही जमीन के अंदर चला जाता है, तो इसलिए हम इसको देख पाना भी मुश्किल होता है। और जो व्हाइट ग्रब होता है, जो इसका लार्वा होता है, वो जमीन के अंदर ही रहता है और जहाँ पर हमारी जो फसलें हैं, जड़ें हैं, उनको खाना खाता रहता है। तो देखिए, ये जो कीट है ये रात के समय एक्टिव होता है। यदि आपकी छोटी फसल है और जो उसका स्टेम है मुलायम है, नर्सरी स्टेज में है, अभी आपने लगाई है, एक या डेढ़ मंथ की है, तो जो उसका जो स्टेम होता है, तना होता है, वो सॉफ्ट होता है, तो देखिए उसके जो स्टेम को भी खाकर पूरे के पूरे पौधे को गिरा देता है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। आप एक दिन पहले देखेंगे इवनिंग में तो आपके जो पौधे हैं अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन अगले दिन आप आएंगे तो जो पौधे हैं वो कटे हुए आपको मिल सकते हैं। तो उसके पीछे का कारण होता है ये व्हाइट ग्रब, क्योंकि ये नाइट में एक्टिव होता है, तो ये पूरी रात में खाकर उन्हें काट कर गिरा देता है। तो इस तरीके से हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, किसी भी फसल को ये नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आपके खेत के अंदर ये है तो कोई भी फसल है तो उसको ये बुरी तरीके से प्रभावित करता है। गन्ने की फसल में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, यदि आपके फलों वाले पौधे हैं तो उनमें भी ये समस्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। देखिए, ये जो कीट है ज़्यादातर जो नुकसान पहुंचाता है हमारे खेतों में, जून से लेके जो अक्टूबर तक का मंथ होता है उसमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। देखिए, मई जून में जैसे ही पहली बारिश होती है तो इसके जो एडल्ट होते हैं वो बाहर निकलते हैं, सॉइल के अंदर से बाहर आते हैं, और यदि आपके खेत के आसपास नीम के पेड़ हैं तो नीम के जो पेड़ है उसको ये ज़्यादा पसंद होते हैं गुब्रेला को, जो इसका एडल्ट होता है, तो नीम के पेड़ पर ये बैठेंगे नाइट के समय में और उसकी पत्तियों को भी ये खाते हैं, तो वहाँ पर ये बैठते हैं,
फिर नर और मादा उनका मिलन होता है, मिलाप करते हैं, उसके बाद अगले दिन ये सॉइल के अंदर जो मादा होती है वो अंडे देती है, फिर वहाँ से इस तरीके से इसकी ग्रोथ बढ़ती रहती है। तो इस तरीके से ये नुकसान पहुँचाता है हमारे खेतों के अंदर। देखिए इसकी पहचान करना आसान है, जैसे यदि आपको पौधे कटे हुए दिखाई देते हैं जैसे पिक्चर में हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि हाँ ये वाइट ग्रब की समस्या है। तो देखिए यदि आप जो आपका तना है उसके आसपास की जो मिट्टी है सॉइल है उसको खोदकर देखेंगे तो आपको वाइट ग्रब आसानी से नजर आ जाएगा। वाइट कलर का होता है, सी टाइप का यानी कि सी आकार का ये देखने को आपको मिलता है। यदि हम इसके कंट्रोल की बात करें तो देखिए सबसे पहले हम इसके यदि एडल्ट को कंट्रोल करना है तो एडल्ट को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एडल्ट जो है इसका नाइट में ही बाहर आता है, रात को ही बाहर आता है, तो आपको क्या करना है कि अपने खेत में आप जो लाइट ट्रैप है वो लगाकर छोड़ सकते हैं। तो जैसे ही ये अंधेरा होगा तो खेत से बाहर आएगा तो ये ट्रैप के जाल में फंस के वहाँ पर मर जाता है। तो लाइट ट्रैप बहुत ही काम की होती हैं, स्पेशली यदि नीम का पेड़ है आपके खेत के आसपास तो नीम के पेड़ के पास जरूर लाइट ट्रैप लगाएं, उसके नीचे जरूर लगाएं, तो वहाँ पे जाकर आप इनको उसमें ट्रैप कर सकते हैं, वहाँ पर ये मर जाते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ को स्टॉप किया जा सकता है, रोका जा सकता है। उसके साथ साथ देखिए जो वाइट ग्रब होते हैं इसके जो लार्वा होता है हमारी सॉइल के अंदर उसको कंट्रोल करने के लिए आप यदि केमिकल की बात करें तो एक फ्यूरोडॉन आती है 3G ग्रेनुअल फॉर्म में जिसमें कार्बोफ्यूरॉन केमिकल होता है, तो आप वो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाल देते हैं तो कंट्रोल हो जाएगा। उसके साथ साथ देखिए क्लोरोफॉरिफॉस आती है 20%, तो वो 2 लीटर आप प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। उसको डालने के लिए आप ड्रिंच भी कर सकते हैं, जड़ों में जो आपके प्लांट हैं उनकी जड़ों में ड्रिंच भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ पानी के साथ भी चला सकते हैं, या आप इसको रेत में सैंड में मिलाकर भी जो क्लोरोफॉरिफॉस है उसको बिखेर सकते हैं अपने खेत के अंदर, तो भी ये कंट्रोल हो जा सकता है। और यदि इसके मैं बेस्ट केमिकल कंट्रोल की बात करूं जो अच्छा बहुत ही अच्छा काम करता है इस पर इंसेक्टिसाइड, लेकिन वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेसेंटा आता है बायर के नाम से, जिसमें फिप्रोनिल 40% प्लस इमिडाक्लोपिड 40% दो टेक्निकल होते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा केमिकल है, इंसेक्टिसाइड है जो वाइट ग्रब है उसको कंट्रोल करने के लिए, ये ग्रेनुअल फॉर्म में आता है, तो आप इसका भी उपयोग अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं, तो जो आपका जो वाइट ग्रब है आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। और यदि हम देखिए इसके ऑर्गेनिक कंट्रोल की बात करें तो देखिए मैथेराइजम एनिसोपली के नाम से आती है एक फंगस जो एक इंसेक्टिसाइड के तौर पर काम करती है हमारे खेतों के अंदर, तो आप इसको भी डाल सकते हैं अपने खेतों में। इसको क्या करना है हमें, तीन इसके 3.5 से लेकर 3 kg मात्रा को आप 50 किलो गोबर की खाद में मिक्स करें और एक हफ्ते के लिए उसको छाया वाले स्थान पर छोड़ दें और एक हफ्ते बाद अपने खेत में बुरक दें, तो ये फंगस भी जो हमारे खेत के अंदर वाइट ग्रब होता है उसको ख़त्म करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। उसके साथ साथ बुवेरियाना बेसियाना के नाम से भी आती है एक फंगस, तो आप बुवेरिया बेसियाना का भी उपयोग अपने खेतों के अंदर कर सकते हैं। इनको हम डायरेक्ट ड्रिंच भी कर सकते हैं, तो आप जैसा आपको उचित लगे उस तरीके से आप उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इससे आपके फसलों के अंदर या खेतों के अंदर जो वाइट ग्रब की समस्या है वो उत्पन्न ही ना हो। देखिए वाइट ग्रब की समस्या हमारे खेतों के अंदर जब ज़्यादा आती है जब हम गोबर की खाद FYM का उपयोग करते हैं, कच्ची खाद का, यानी कि यदि गोबर की खाद का हमें उपयोग करें तो वो पूरी तरीके से डीकम्पोज्ड खाद का उपयोग करें। यदि हम कच्ची खाद का उपयोग करते हैं तो उसकी वजह से इस कीट की समस्या हमारे खेतों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि किन्हीं वजह से आपको जो कच्ची खाद है उसका उपयोग करना भी पड़ रहा है तो आपको क्या करना है कि 50 किलो खाद में आप जो या तो मैथेराइजम एनिसोपली जो फंगस है वो ले लें या जो बुवेरिया बेसियाना है वो ले लें, वो 2 kg या 2.5 kg मात्रा लें और उसमें 50 kg में अच्छे से मिक्स करके एक हफ्ते के लिए छाया में छोड़ दें और एक हफ्ते बाद उसको खेत में बुरक के और आप अच्छे से कल्टीवेट कर दें और बाकी का खाद जो आप डाल रहे थे वो पहले ही डाल दें, तो आप देखेंगे कि इसकी समस्या फिर आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको उसको जो हमारा जो गोबर है उसको ट्रीटेड करना ज़रूरी है, तो इस फंगस से उसको ट्रीटेड कर सकते हैं जो हमारा इंसेक्टिसाइड है फंगस के रूप में आता है, तो फिर आपको जो ये हमारा वाइट ग्रब की समस्या है ये अपने खेतों में देखने को नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप जो वाइट ग्रब है उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने खेतों के अंदर। तो किसान भाइयों यही थी आज की जानकारी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।